अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, पांच जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो पांच दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पांचवा दिन होना चाहिए, ये पांच दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये पांच जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये पांच जगह से जो अशांति आ रही है, तो पांच दिन जो देव दीपावली कहते हैं उसका स्मरण कर, देव दीपावली के समय भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो पांच दिन हैं, उन पांच दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज, सब लोग जाते हो, हर हर, पांच दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन पांच दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि पांच दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठी का, पार्वती जी का हस्त कमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का हो, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। पांच दिन अगर आपने ये पांच दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है पांच स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति, मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई कुछ लेकर भग गया, कोई कुछ कर भग गया, उस शांति के लिए भी हमें मूल आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठी का अर्थात हस्त कमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। पांच दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के पांच देव हमारे पांच जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के पांच दिन, शिव पंचायत के पांच देव हमारे पांच जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास, सुख का अनुभव करा दे। स्मरण रहे, संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है, संबंध भी हमको अशांति देते, किसी ने कुछ कह दिया मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा अपन घर से निकल कर चले गए, मन अशांत हो गया। अच्छा जरा सा विवाद हुआ और लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, हमको यह समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या छिपरा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने।
घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरु जी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। संसार, संपत्ति, संबंध, संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान कर, या शांति देते हैं। चार जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो, चार जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। चार जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत हो गए। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर, कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतना संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाए। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो पांचवा नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मेरी, मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं, ना ना ना। शिव पुराण कहती है चार जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, एक महीना, चार महीना, छः महीना, एक साल, डेढ़ साल, दो साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा, ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा। जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जाएगी। तो करे क्या, फिर क्या करा जाए, क्या कर सकते? उसमें पांच जगह में एक जगह संपत्ति भी कही, पांच जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है, संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ मैं रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ना ना ना। स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन, जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए, उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते, आपको कहे बिना रहेंगे ना। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले, और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा हो, ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश भी यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा वक्त मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आपने देते रहे देते रहे देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता, संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है।
जिसके पास कुछ नहीं वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछाकर बहुत मस्ती से सोता। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डनलप का गद्दा है, एसी भी लगा है, पंगल पलंग भी लगा है, नौकर चाकर सब कुछ लगे, सब कुछ, तो भी उस